हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों काम करने के बाद आज हम पिकनिक के लिए निकल चुके हैं और आज हमारी टीम जो है तैयार हो चुकी है बुंदेलखंड जाने के लिए और बुंदेलखंडी सर के साथ। तो सभी लोग, सभी प्यारे बच्चे बढ़िया है। देखिए उधर सौरभ सर क्लास ले रहे थे, इधर मैं थोड़ा कंटेंट मैनेज कर रहा था आप लोगों के लिए। और फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद और आप लोगों की मेहनत इतने दिन करने के बाद आप लोगों के लिए अब हम लोग एक तो बुंदेलखंड जाएंगे, चित्रकूट आज जाने वाले हैं। तो अब सौरभ सर को दिखाओ, सौरभ सर क्या कर रहे हैं। हाँ तो आइए दोस्तों, आज दिखाते हैं कि सौरभ सर क्या कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है बुंदेलखंड जाने के लिए। फर्स्ट क्लास यार, अब तक आप इस लड़के को, जरा पास आओ, मैंने तो अब तक आप इस बच्चे को जो है कैमरे के पीछे से देखते थे, लेकिन मतलब जो आप हमें देखते थे फ्रंट पे, तो हम फ्रंट पे तभी दिखते थे जब ये बैक पे बैठा रहता था। तो अब आज ये फ्रंट पे रहेगा इस पूरे व्लॉग में और ये मिनी व्लॉग होगा एग्जाम मास्टर का। मतलब पहली बार हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी नई जगह जाने के लिए अपने स्टाफ के साथ, चूँकि कल संडे है, कुछ पब्लिक क्लासेस हैं फिर भी, लेकिन कुछ टीचर्स ऑफ हैं, तो उनकी मस्ती और उनका मजाक और कैसे हम लोग जीते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल और थोड़ा सा एंजॉयमेंट टीचर्स का कैसे होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बुंदेलखंड की इस पावन धरती पर एक फ्रेश नाश्ता और यहाँ पर रहने वाले की वाकई में उम्र बढ़ जाए, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ और नेचुरल वातावरण, पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है, खेत बारी और सब कुछ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे देखिए सुबह सुबह गरम गरम गुड़ वाली जलेबी मिल गई है, मतलब जन्नत कह लीजिए इसको, देसी गुड़ की देसी जलेबी है। और समोसा है, मूँगफली के साथ पोहा है और सब कुछ, मतलब जो है एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट वाला है, सब देसी है मतलब। और अभी देसी पना आपको हम लोग भी दिखाते हैं, चल के पहाड़ों पे बाटी चोखा और हांडी पनीर बनाते हैं और मयंक सर की बदौलत ये पूरा जो है व्लॉग सफल शूटिंग हो रहा है। ये देखिए हांडी आ गई, दादी को दिखाइए, आ गई हांडी। हाँ, ये हांडी सही रहेगी, परफेक्ट रहेगी सर, देखिए गांव में। हाँ बच्चे ने अपने पैसे से खरीद के लाया, देखिए सर के लिए, इसको पता चला कि सर यहाँ आए हैं तो। क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं सर? सर टीचर हैं और टीचर को टीचर सर बनाते हैं, समझ रहे हैं? तो दोस्तों, हम लोग तैयार हो चुके हैं पहाड़ पे जाने के लिए और हम सामान अपना लोड कर रहे हैं, सर यहाँ पे अपना सामान ला रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मटका वगैरह सब कुछ तैयार हो गया है, बस अब हम लोग पहाड़ पे जाएंगे और अपना वहीं खाना वाना बनाएंगे और खाएंगे और आपको दिखाते हैं कि कितना मजा आता है और कैसे क्या होने वाला है। सर क्या प्लान है आज का, सर बताइए। प्लान एकदम शुद्ध है कि भैया शुद्ध शाकाहारी जो है, हांडी में पनीर बनेगी और वहीं पे जो है उपड़े कंडे में रोटी बनेगा, बाटी बनेगा, चोखा बनेगा, जो भी बनना होगा वहीं पहाड़ों पे बनेगा और वहाँ का पूरा शूट मिलेगा, वहीं डिसाइड होगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो दोस्तों तैयार हो चुके हैं हम लोग पहाड़ की तरफ जाने के लिए और गाड़ी भी हम लोग की आ चुकी है। अब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और फिर दिखाते हैं आपको नज़ारा कैसा रहा और वीडियो में बने रहिए, आपको आगे दिखाते हैं कि क्या से क्या होता है। तो हम लोग आ चुके हैं पहाड़ पे अपने, तो आपको दिखाते हैं नज़ारा यहाँ बुंदेलखंड का। और कैमरामैन थोड़ा इनको दिखाइए इधर कैसा नज़ारा रहा थोड़ा। और हमारे सर भी आ चुके हैं और यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। तो मैं सर आइए, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, एक नंबर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। विशाल जरा कैमरा घुमा के चारों तरफ पहाड़ का वो दिखाओ, तो चारों तरफ घुमा दो कैमरा। हाँ मयंक सर भी आ चुके हैं, देखिए चारों तरफ का जो नज़ारा है, मतलब ये पहाड़ के बीच में हैं हम लोग और गाड़ी जो है बहुत मेहनत से मयंक सर जो है चढ़ा ही दिए हैं। और एक बार फिर से देखिए चारों तरफ का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन है। कुल मिला करके हम लोग यहीं आना चाहते थे और चूँकि हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अभी सर मेन क्लाइंबिंग बची है, अभी आपको झरने की तरफ चलना है। ये दशरथ घाट प्लेस है, मतलब राम जी के पिताजी के नाम दशरथ घाट रखा गया है, ऊपर से झरना गिरता है, ऐसे कहते हैं कि पुरातन कथाओं में यहाँ पे प्रचलित है, लोकल रूमर्स हैं कि यहाँ पर दशरथ जी
के बारे में जब खबर मिली थी राम जी को, तो तब जो है निधन की तो राम जी उसके बाद फिर यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने स्नान किया, शिव जी की आराधना की थी यहाँ पर, शिव जी की आराधना की थी, और आराधना करने के बाद शिव मूर्तियां स्थापित की थी, वो अभी भी है कुछ पिंड, हाँ वो पिंड अभी भी स्थापित है, उनको शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, वो अभी देखते हैं सर। चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे, और पूरा हम लोग को बंदर दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत मजा आने वाला है आज, और अपने मयंक सर के मार्गदर्शन पे। हाँ बताइए सर। भैया देखो, बाकी तो सारी बात ठीक है, लेकिन अगर यहाँ रीच मिल गया, भालू का चचेरा भाई होता है। अरे अच्छा, और अगर मिल गया ना वो, तो भागे भूई नहीं मिलेगी सर। अच्छा, भालू को ही रीच बोलते हैं, हमें लगा चचेरा भाई है उसका। तो क्या होगा सर? कहानी सुना ना बचपन में, भालू आता है, दोस्त मरने की एक्टिंग कर देता है और कहता है मेरे कान में क्या बोल के गया है ना, मैंने तो कहानी सुने होंगे ना। हाँ जी बिल्कुल, स्वार्थी मित्र वाली। हाँ स्वार्थी मित्र, पेड़ पे चढ़ जाता है एक मित्र और एक मित्र। आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग अपना हांडी पनीर बनाएंगे, और यहाँ पे बनने की तैयारी हो चुकी है, और दिखाते हैं आपको। यस, बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमारी टीम जो है एक्सप्लोर कर रही है जंगल को, पहाड़ को, झरने को, और साथ ही साथ मतलब किसकी इच्छा नहीं होती कि पहाड़ों के ऊपर जा करके बना के खाना खाए। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन का जो सेंटर है, कैमरा अगर थोड़ा सा इधर ले आते सर, तो ये चूल्हा मैं जरूर दिखाना चाहूँगा तो अपने दर्शकों को। देखिए क्या है कि एक्साइटमेंट में जवान थोड़ा सा मतलब लड़का रही, लेकिन इतना बड़ा चूल्हा देख रहे हैं, ये इस चूल्हे पे ना जाने कितनों ने पकाया होगा और खाया होगा, अब ये चूल्हा साक्षी होगा हमारे आज के भोजन का। और चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अब और देखिए झरना भी गिर रहा है, तो सर इसके बारे में बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है। कई सनातन धर्म के इंक्रोचमेंट का, दोनों का यहाँ पर प्रभाव आपको दिखता है, कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं इस बारे में कि सनातन धर्म दोबारा जब इस्टेब्लिश हुआ, बौद्ध धर्म दोबारा जब इस्टेब्लिश हुआ एक लंबे दौर के बाद, तो जो मूर्तियों पर प्रभाव देखने के लिए मिलता है, वो सबसे ज़्यादा मूर्तियों पर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो मूर्तियाँ तोड़ी गई अपने धर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, मूर्तियाँ तोड़ी गई तो, और अपनी कलाकृतियों को इस्टेब्लिश किया गया, तो बड़े प्रमाण मिलते हैं। ये पूरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। आप देखिएगा, अभी आपको मूर्तियाँ भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है। अपने डाकू वगैरह इधर हुआ करते थे, जो बागी, डाकू नहीं, हमारे क्षेत्र में डाकू नहीं सर, बागी कहा जाता है, बागी कहा जाता है, तो वो बागी ना सर ऐसे होते थे कि उनका मानना था कि मूर्तियों के अंदर खजाना रखा गया करते थे राजा लोग, तो जितनी मूर्तियां दिखती थी उन मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता था इस बिहाफ पे कि इसके अंदर सोना हीरा जवाहरात होगा, हीरा जवाहरात मिल सकता है, तो माउंटेन वाटर आप बोल सकते हैं। सिर्फ भैया आप यहाँ नहाना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, वहाँ थोड़ा पानी ज्यादा होगा, तो हम लोग उसी में नहाएंगे। अरे यार रीच आने के बाद से हम लोग तो कैसे भी बचे हैं सर, बताइए। अच्छा वो मुझे कुछ हुआ नहीं, मेरे भैया आगे थे, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, इन्हीं के पीछे था, वहाँ पे खड़ा हुआ था भाई साहब, अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में इंद्रजीत, पता लगा मैं बिना शादी के ही मर जाता आज, कलेजा मुंह को आ गया। अरे भाई साहब बहुत एकदम थ्रिलर एक्सपीरियंस था, मैंने पहले ही आप लोगों को वार्न किया था कि आ सकता है, देखिए मतलब कोई बड़ी बात नहीं सर, जंगल में है, बीच जंगल में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के तीन पर्वत पार करके हम लोग यहाँ पर है, कहावत है ना कि मौत को। तो चलिए दोस्तों हम लोग नहा के तैयार हो चुके हैं, और आग भी जल चुकी है, खाना बनाने के लिए हम तैयार हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं खाना, ठीक है?
क्या बन रहा है और कौन बनाने वाला है ये वीडियो में आपको दिखेगा। तो दोस्तों आग जल चुकी है और हमारे भैया जो है ये मटका साफ कर रहे हैं, इसमें हम पनीर बनाने की प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद से सर हैं बुंदेलखंडी सर जो प्याज काट रहे हैं, और सौरभ सर से पूछते हैं, सर बताइए। प्याज देखो कट चुका है, उधर पनीर भी कट चुका है, सारा ये मसाला जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सब रेडी है, सब कुछ एकदम वेल मेंटेन है, आसपास बहुत शांत वातावरण। और सर ये तो बताइए मतलब कि हांडी पनीर में ऐसा विशेष आप अभी जो टिप्स दे रहे थे कि ये ना करें, अगर आप हांडी पनीर बना रहे हैं तो पहली बात तो हांडी आप धोइए नहीं, धो के तुरंत आग पे चढ़ाएंगे वो फट जाएगी। उसको क्या करिए, कपड़ा गीला करिए और अंदर का पूरा जो रेत रहता है मतलब पकने पे, उसको अंदर से गीले कपड़े से ढंग से रगड़ के पोंछ लीजिए। ये राख दिखाओ, हाँ, जो ये राख, हाँ, ये राख है, राख को गीला करके इसको साना जाएगा, बाहर से जो है सान दिया जाता है, ये नीचे जो लगा हुआ है इसमें नीचे के परत में हम लगा देते हैं, इससे बाहर से वो सेफ रहेगी, मतलब अगर जो है बाहर से चीजें वो है वो सेफ रहेगी, आपकी हांडी सेफ रहेगी, आपके पनीर फट के बिखरेगा नहीं। और हांडी थोड़ा मोटा वाला चुने, जिसमें दूध जमाया जाता है वो वाला हांडी चुने, ताकि वो आग को बर्दाश्त कर पाए। अगर आप पानी भरने वाला हांडी चुनेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो फट जाएगा पतला वाला, ठीक है। तो बाकी सिब्बू भैया आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए कुछ अपने बारे में। खा रहे हैं उधर दिखाओ। तो हमारे विशाल भैया जो हैं ये मिस्टर ब्लॉगर, ये बना रहे हैं अभी आटा, और आटा लगाने में आटा लगा रहे हैं रोटी, और दो बार लगाना है कम से कम विशाल भाई को। आटा तो हालत खराब होने वाली है बिल्कुल। बॉडी बनेगी। सिब्बू भैया पहले आटा लगाते थे लेकिन उनकी बॉडी सेट हो चुकी है, ऐसा लड़का हर लड़की चाहती है। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है सर, मतलब कोई अगर है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मिल जाए तो भी ठीक है, मिल जाए। देखिए तमन्नाएं खत्म नहीं होती सर, मानव जीवन ऐसा सर, तमन्नाएं खत्म ही नहीं होती लोगों की। पहले ये तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम्हारा आटा जो है शांति हो कोई देख लेगा तो उसकी तमन्ना मचल जाए। नहीं नहीं, मैं रोटी तो बना ही लेता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ, मतलब अपने अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस। और ये हमारे सुबह हाथ में क्या, इनके हथियार चल रहे हैं, जो वीडियो चल रही है इसको सभी लोग अगर लाइक नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नो धमकी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी सर। नहीं, वो आप कह रहे कि एक चाकू गिफ्ट किया जाएगा। अच्छा अच्छा, अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं सर, सर ये चाकू गिफ्ट किया, तोहफा दिया जाएगा। देखिए तो मतलब चाकू देखिए सर, बड़े लड़ैया यही बगल में महुआ वाले, महोबा के थे आला उदल, और इन्हीं पहाड़ियों पे सर उनका आगे चलेगा ना, हम लोग को तो आला उदल की बैठक भी मिलेगी, हम वहाँ पे एक बार गए थे। यहाँ बैठक है तो मैहर में क्या है? नहीं नहीं, मैहर में कहते हैं कि आल्हा जाया करते हैं, आल्हा खत्म नहीं, अमर हैं, अमर हुए थे बाबा गोरखनाथ, उनको पृथ्वीराज चौहान से जब युद्ध हुआ आखिरी, तो बाबा गोरखनाथ उदल तो मारे गए लेकिन बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि आल्हा को जिंदा लेकर चले गए थे उस युद्ध से, और तब से कहा जाता है कि मैहर में आपका आल्हा जाते हैं और पहला फूल मैहर में आल्हा चढ़ाते हैं, और आल्हा की यही बगल में महोबा के जो राजा परमाल थे उन्हीं के यहाँ सेनापति थे दोनों लोग। कहा जाता है सर महोबा के बारे में, बड़े लड़ैया महुआ वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए, मतलब डर से भयभीत होके। यही की एक कहावत है कि 12 बरिस ले कुकुर जीवे, 13 बरिस ले सीएसआर, 18 छत्री जीवे आगे जीवे तो धिक्कार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवे तो धिक्कार। यानी 18 वर्ष में इतना शौर्य रहता था, वो लोग इतना युद्ध करते थे कि मानते थे कि 18 वर्ष तक उसकी जो कीर्ति है वो फैल जानी चाहिए। और एक एक यहाँ पे सर मतलब आल्हा उदल के ही, जब आल्हा अपनी माँ के पास जाते हैं तो उनके चाचा और पिताजी का जो है सर काट के एक राजा अपने महल पे बरगद के पेड़ में टांगे रहता है, तो अब उनकी माँ आल्हा उदल से कहती है कि भाई देखो, बाप का बैरी जो ना मारे ताके
मांस गिद्ध न खाए, मतलब कि मतलब कि अपने बाप के दुश्मन को न मार पाए उसका मित्र मांस नहीं खाता। सही बात है, बाप कमारी जो ना तो दोस्तों देखिए खाना अब रेडी हो चुका है, अब मैं सर निकालने का काम कर रहे हैं। देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, अब आपको टेस्ट करके सर बताएंगे कि कैसा रहा इसका स्वाद। वैसे मैं सर तो खाना अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये पहली बार था हम इनको देखते हुए कि मतलब पहली बार बना रहे हैं मटके में। हमारी मटके का अनुभव मुझे काफी रहा है, मैं मतलब आपसे कई बार खा चुका हूँ हांडी में। मेरा संगत और साथ ऐसे लोगों के बीच में रहा है कि घूमने भी जाना पड़ता है चित्रकूट, पहाड़ों में मौका भी मिलता है अच्छा, और कुल मिलाकर के चीज़ें काफ़ी मतलब अच्छी रहती हैं यहाँ पर। मन लगता है आप प्रकृति के नज़दीक जाते हो, क्लोज जाते हो, ठीक है। तो ये बड़ी बात होती है कि आप नेचर की गोद में जा करके, और ऐसा सर्वाइवल मतलब बहुत भाग्य से होता है ना। बाकी मेरे किस्मत में तो वैसे पत्ती ही आती है किस्मत में, लेकिन ये देखिए ये घी है, इसमें सारी रोटी को भिगा के डुबो के, गरम है बिल्कुल गरम है, डुबो डुबो के सर थाली में रख रहे हैं। तो लोग बैठे तो सर स्वाद के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए। सुपर सर, दो शब्द इसके लिए और एक शब्द में नहीं सर, अति उत्तम। सिब्बू भैया आप टेस्ट करिए और बताइए क्या। तो सर अब यहाँ का तो काम फिनिश हो गया, अब हम लोग जो है गढ़वा वाले बाबा के पास जा रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मतलब वो किला है, उस किले के अंदर शिवलिंग है, और अब वहाँ चल के शिवलिंग के आप दर्शन करिए भगवान शिव के, और आशीर्वाद लें कि हमारे बच्चों का जल्दी सिलेक्शन हो, जो लोग एग्जाम मास्टर से पढ़ते हैं, और उन सबको आशीर्वाद मिले, भक्ति भावना दुआ प्रार्थनाएं हो जाए। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं गढ़वा वाले बाबा के पास, और आपको दिखाते हैं वहाँ की वाइब्स कैसी है, और सर भी आ चुके हैं। तो सर बताइए यहाँ के बारे बारे में कुछ बताइए बाबा, आप यहाँ के बारे में कुछ बताइए बाबा। अच्छा अच्छा, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूड़ी तल रही है। हाँ हाँ बाबा, हाँ तो बाबा जी ये पूड़ी बना क्यों रहे हैं आज, कोई त्योहार जैसे कि कुछ खिलाएंगे और क्या। अच्छा आप लोगों के, अच्छा हम लोगों के लिए बना रहे हैं सब। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जय कालिका माता की मंदिर पे, तो आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पे यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मयंक सर के फार्म हाउस पे, तो यहाँ थोड़ा रुकेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं पहाड़ों पे आते आते। तो सर के यहाँ चलते हैं फार्म हाउस पे, थोड़ा वहाँ आराम करेंगे। और बढ़िया सा गन्ना है, और चलते हैं अंदर, मतलब कि इधर साइड अगर आप देखेंगे तो ये गन्ना है, और अगर किसी को गन्ना खाना है तो बढ़िया गन्ना खा सकता है, घर की उगी हुई सब्जी। तो जितने बच्चे सिलेक्शन लेने के बाद पार्टी उनको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक सर के फार्म हाउस पे। हाँ बिल्कुल, एकदम बढ़िया मस्त केले के पेड़ है, जब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि यहाँ पर केले भी लग जाएंगे। तो सर ये काफी बड़ा है फार्म हाउस आपका, मतलब यहाँ पे लेकिन सर दिल खुश हो गया आके, वो दिल खंड मजा आ गया एकदम, मजा आ गया। इधर दिखाओ वो पहाड़ दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपको पहाड़। तो सर यहाँ के बारे में कुछ बताइए। देखो भैया ये है करका आश्रम, मतलब सर हम लोग जो है
मतलब ये मान के चलिए अपने गांव से जहां घर है सर वहां से 3-3.5 किलोमीटर ये अप्रोक्सीमेट अगर सीधे सीधे आओ तो ये अंदर ये मान के चलिए। और ये मध्य प्रदेश ही है एक तरीके से, मतलब यूपी से हम लोग एमपी में आ चुके हैं। और ये वाला आउटलाइन जो ये लाइन गई हुई है ये जंगल की, अगर गूगल मैप में आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा यही मैप है, यही बॉर्डर है पूरा, मतलब एक कर्व बना हुआ है, उस कर्व के अंदर है हम लोग। और यहाँ में आपको बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य अभी मैं आप लोग देखेंगे और साथ के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस समय हनुमान जी के मंदिर के पास, सर लोग आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मयंक सर कुछ बताइए यहाँ के बारे में, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है यहाँ मतलब यहाँ के बारे में क्या है यार। मतलब एक तो जंगल के बीच में आश्रम है, मतलब आश्रम की जैसी इमेजेस बनी रहती है वैसी नहीं है, लगातार यहाँ लोगों की सेवा भी की जाती है, भंडारे वगैरह होते हैं। यह क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ अकेले एक बाबा है वो संभालते हैं। ठीक है, चंदन लगवा लो, सेवादार की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, आप बताएं। आपको अवेलेबल नहीं है किसी के पास, मतलब ऐसे हमारे देश में ना जाने कितनी सर पुरातात्विक कलाएं हैं जो छुपी हुई हैं और हम लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं की। ठीक है, अच्छी चीज है। देखिए मतलब बरगद का पेड़ बड़ा होने में कितना समय लगाता है और उसके बाद फिर ये दरवाजा खुद में खुद ऊपर उठते चला गया उसके साथ, पहले ये एक लेवल पे था और ये ऊपर उड़ गया। इसी तरीके से उधर भी देखिए, पत्थर का दरवाजा है, सिर्फ एक लौता ऐसा नहीं है, ये इधर भी आप आइए, इधर भी देखिए तो ये भी ऊपर उठ गया है। आप ये पूरे के मतलब देखिए जकड़ के रखा है पूरे पत्थर को पेड़ में, और ये कई 100 साल में नहीं होता, हजारों सालों में ऐसा होता है। मतलब ये पेड़ हजार साल पुराना है। आप एक जूम करके यहाँ पे दिखाओ, देखो विशाल ये सारी जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर कितना प्यारा है, मतलब पुराने तौर से देखा जाए और पत्थर कहाँ कहाँ तक फंसे हुए हैं, कहाँ तक देखे। ऐसा लगता है कि लोग ऊपर ले आके पत्थर को बांध दिए हैं। नहीं, बांधा नहीं है पेड़ ने खुद उठा लिया है। मतलब पेड़ बढ़ता चला गया, उठता चला गया पत्थर। आप भर जाता है ना, एक जितने जंगल से पानी निकल के आता है वो उस छोटी सी बावली उस पेड़ के नीचे से, विशाल उधर दिखाओ वो जो पेड़ दिख रहा होगा उस पेड़ के नीचे से एकदम। दोस्तों हम लोग घूमने के बाद अब फाइनली अपने स्टूडियो पे आ चुके हैं और इतना थक गए हैं कि अब सोने का मन कर रहा है, तो अब सर तैयार हैं, अब कल से हम पर्दे के पीछे ही दिखेंगे और पर्दे के आगे सर दिखेंगे। सर को हाँ, थैंक यू सो मच आप सभी का, और ट्रिप बहुत अच्छी रही, इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और कभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मजे में रहिए, मजे में रहिए एकदम बेहतरीन तरीके।